नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द सीरियस कॉमेडी शो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अंशु प्रधान जी की एक बहुत खूबसूरत सी लघु कथा जिसका शीर्षक है गुलमोहर। गुलमोहर अंशु प्रधान। कैलाश गुलमोहर की जड़ों में पानी दे रहा था कि तभी बगल वाले घर में रहने वाले सरजू चाचा घर से निकले और कैलाश को देख के बोल पड़े, अरे कैलाश, जे गुलमोहर में काहे पानी दे रहो है? अब कौन जे हरो होए बालो, देखत नहीं जड़ तक पूरा सोखाओ। कैलाश की तंद्रा टूटी तो पलट के मुस्कुरा दिया और बोला, अरे चाचा बस ऐसे ही, जब बगीचे के सभी पौधे पानी पी रहे तो जे गुलमोहर ही काहे रह जाए। अचानक मनोहर, जो कि सरजू चाचा का लड़का है और कैलाश का दोस्त भी, बोल पड़ा, अरे तुम्हारी बांह में ये पट्टी कैसी कैलाश, कल तो तुम बिल्कुल सही थे। कैलाश बताने लगा कि कल कचहरी में हाथापाई हो गई उसके दामाद और उसके बीच। इसी बीच सरजू चाचा टहलने को आगे बढ़ गए थे और मनोहर कैलाश को अपने घर ले गया जबरदस्ती। मनोहर कैलाश की मनोस्थिति से भली भांति वाकिफ था और जानता था कि कुछ हुआ है कैलाश के साथ, लेकिन कैलाश अपने मन की बात किसी को नहीं बताएगा। दिसंबर की सर्दी में कैलाश के हाथ पानी का पाइप पकड़े रहने की वजह से ठंडे से हो गए थे, इसलिए मनोहर ने तुरंत एक बीड़ी सुलगाई और बढ़ा दी कैलाश के आगे। साथ ही अपनी बिटिया मिताली को फरमान भी सुना दिया, अरे बिटिया मिताली, जरा कैलाश चाचा के लिए दो कप चाय तो बना ला। और मिताली, हाँ पापा, कहके बैठक तक आकर वापस चली गई थी। मिताली को देखते ही कैलाश टूट सा गया और कह बैठा अपने मन की व्यथा, मनोहर तू मेरी एक बात गांठ बांध ले, बता मानेगा कि नहीं। मनोहर एकदम चौंक सा गया, बोला, हाँ हाँ बता, बता तो सही, क्यों नहीं मानूंगा, तू कुछ बोल तो मेरे भाई, तेरा उदास चेहरा देखकर मेरा दिल जलता है। कैलाश ने कहा, मनोहर देख तू वादा कर, तू अपनी बिटिया का ब्याह तभी करेगा जब वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, ये जमाना बहुत बुरा है रे मनोहर, बहुत बुरा, ऊपर से कुछ नजर आए और अंदर से कुछ। और कैलाश की आंखें डब डबा आई, जिसे कैलाश ने नीची निगाह करके अपने गमछे से धीरे से पोंछ लिया। कैलाश ने अपनी बेटी पूनम की शादी अभी एक वर्ष पहले बड़ी धूमधाम से की थी, अच्छी सरकारी नौकरी में लगा लड़का मिल गया था, सारे काम बड़े अच्छे से हुए, सब बड़े खुश थे, लेकिन चार महीने बाद ही घर में क्लेश चालू हो गया। देवेन, कैलाश का दामाद, पूनम को घर भेज गया था ये बोल के कि तुम्हारी लड़की में वो गुण नहीं जैसी उसे चाहिए, और कैलाश हक्का बक्का सा रह गया था। और फिर न तो वो वापस आया और न पूनम के ससुराल वालों ने ही कोई खबर ली। इस बात पर कैलाश ने मुकदमा कर दिया था धीरेन्द्र के ऊपर, तो सब घर और खिसिया गया। मनोहर कहने लगा, देख भाई, अपनी बिटिया है तू फिक्र काहे करता है, क्या एक बिटिया ना पाल सकेगा तू? पाल क्यों ना लूंगा मनोहर, जरूर पाल लूंगा, लेकिन ये समाज ससुराल से भेजी गई बेटियों को कब इज्जत की नजर से देखता है, बस यही डर खाए जाता है मुझे, ये बेटियां भी गुलमोहर के पेड़ की जैसी हो जाती हैं, जो अपनी लालिमा से घर भर देती हैं, लेकिन गुलमोहर के फूल न तो भगवान पर चढ़ाए जाते हैं और न इनमें खुशबू ही होती है। अरे कब पगला गया है, बेटी की तुलना गुलमोहर से कर रहा है, जो बात तू मुझसे कह रहा है वो ही खुद पे लागू कर, भूल जा कि पूनम की शादी की थी तूने और उसे किसी लायक बना, फिर देख घर चल के तेरी बेटी का हाथ थामने वाले ना आए तो मेरा नाम बदल देना। और कैलाश तभी जैसे किसी मनोबल से उठ खड़ा हुआ था और बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो मनोहर, हाँ मेरा ही दिमाग भटक गया था। आज 2 साल हो गए हैं पूनम डाक विभाग के कार्यालय में अधीनस्थ के पद पर कार्यरत है, और उसी विभाग का वरिष्ठ संजीव पूनम से विवाह करना चाहता है। आज दरवाजे का गुलमोहर भी हरा हो गया है और लाल फूलों से लदा पड़ा है। मनोहर और कैलाश गुलमोहर के नीचे खड़े बतिया रहे हैं। अब ये तेरी समझ है कि गुलमोहर के फूल भगवान को नहीं चढ़ाते, ले आज जितने फूल चाहे भगवान को अर्पण कर, वे कुछ न कहेंगे। और दोनों हंसने लगते हैं। मित्रों, कैसा लगा आपको ये लघु कथा का वाचन, मुझे अवश्य कमेंट करके बताएं।
अंशु प्रधान जी का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस लघु कथा के वाचन की अनुमति प्रदान की। अंशु प्रधान जी अपने आप को होम मेकर कहलाना पसंद करती हैं और उनके कई व्यंग आलेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। उनका एक लघु कथा संकलन हुक्काम को क्या काम भी प्रकाशित हो चुका है और वो एक प्रतिष्ठित पत्रिका में सह संपादक के रूप में कार्य कर रही हैं। मेरी शुभकामनाएं अंशु प्रधान जी के लिए। द सीरियस कॉमेडी शो पर आपके आगमन का बहुत बहुत शुक्रिया।